मेरी दोस्त का नाम अंश है। कुछ ही दिन पहले वो मुंबई शिफ्ट हुआ। उसने एक फ्लैट रेंट पर लिया था। वो फ्लैट उसे बेहद पसंद आया था। 2 दिन बाद रात के ठीक 12 बजे उसके फ्लैट की बेल बजी। उसने सोचा, इस वक्त कौन होगा? अभी तो उसे यहां कोई ठीक से जानता भी नहीं है। उसने डोर ओपन किया तो उसके ठीक सामने एक लेडी थी। अंश ने पूछा, जी आप कौन और इस वक्त? वो लेडी बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अंश ने कहा, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उस लेडी ने कहा, जो आपके सामने वाला फ्लैट है उसमें से हर रोज मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाती। क्या तुम जाकर देख सकते हो प्लीज? अंश बोला, देखिए मिस, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और मैं यहाँ किसी को जानता तक नहीं। मैं ऐसे किसी के घर जाकर नहीं पूछ सकता। वैसे भी मैं इतने दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो किसी के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। आप खुद जाकर क्यों नहीं चेक करती? वो लेडी बोली, एक्चुअली मिस जोन्स के साथ मेरी बनती नहीं है। अंश का मन तो नहीं था कि वो किसी के घर जाकर उसे परेशान करे, पर फिर भी उसने उस लेडी को कहा, ठीक है, मैं कल मॉर्निंग में उनसे बात करूंगा। वो लेडी अंश से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर वो चली गई। 2 दिन हो गए उस बात को। अंश उस बात को भूल चुका था और वो मिस्टर जोन के घर जाना भी भूल चुका था। फिर अचानक रात को 12 बजे उसकी डोर बेल फिर बजी। अंश ने डोर ओपन किया तो देखा वही लेडी थी जो उस रात हेल्प के लिए आई थी। वो बहुत परेशान दिख रही थी। वो लेडी बोली, आप प्लीज मेरी मदद करें। वो बच्चे की आवाज़ मुझे रात भर सोने नहीं देती। आप प्लीज मेरी मदद करें। आप जाकर प्लीज देखें ना एक बार। अंश ने उस लेडी से कहा, सॉरी मिस, मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मैं आपकी बात भूल गया। मैं कल ही उनके घर जाकर बात करूंगा। अंश के इतना कहते ही वो लेडी वहां से चली गई। अंश को बहुत अजीब लगा क्योंकि अंश को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। सुबह होते ही अंश रेडी होकर निकल ही रहा था कि उसे मिस्टर जॉन के घर के बाहर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो बहुत बीमार और परेशान लग रहा था। अंश ने उससे बात करने की कोशिश करी। वो बोला, हाय, मेरा नाम अंश है, तुम्हारा नाम क्या है? उस छोटे बच्चे ने जवाब नहीं दिया। अंश ने उससे फिर कहा, तुम अपना नाम बता सकते हो? हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं। मैं यहाँ सामने ही रहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? उस बच्चे ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अंश उसके थोड़ा और पास गया और बोला, देखो अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब उस बच्चे के चेहरे पर कुछ उम्मीद दिखी। वो बोला, मेरा नाम क्रिश है। मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मुझे हमेशा डांटती रहती हैं। उन्होंने मुझसे कभी ठीक से बात नहीं करी, वो मुझे कभी कभी मारती भी हैं। इतना कहते ही वो बच्चा रोने लगा। अंश को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। अंश ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे डैड को ये सब पता है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, डैड ज्यादातर बाहर ही रहते हैं और मेरी माँ ने उन्हें कुछ भी बताने से मुझे मना किया है। अंश ने पूछा, बेटा क्या तुम स्कूल जाते हो? बच्चा बोला, अभी कुछ 1-2 महीने से मैं बीमार रहता हूं ना, मैं स्कूल नहीं जाता इसलिए।
अंश को उसकी बात सुनकर बहुत अजीब लगा। उस बच्चे की हालत सच में बहुत ठीक नहीं थी। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ा हुआ था। वो बहुत कमजोर हो रखा था। इतने में मिसेस जोन्स बाहर आई और बच्चे को अंश से बात करता देख उसे अंदर ले गई। उन्होंने अंश को हाय कहना भी जरूरी नहीं समझा। अंश ने सोचा, कुछ तो बात है जो मिसेस जोन्स सबसे छुपा रही है। अंश ने टाइम वेस्ट ना करते हुए फौरन पुलिस को फोन किया और सब बता दिया। पुलिस कुछ ही देर में आई और उसने मिसेस जोन्स और बच्चे की इंक्वायरी की। बच्चे की हालत देख उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला बच्चे को हर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने में पॉइजन दिया जा रहा था। मिसेस जोन्स को जेल हो गई। मिस्टर जोन भी आ गए थे। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके बेटे को रोज जहर दिया जा रहा है। एक रात अंश को मिस्टर जोन का फोन आया। वो अंश से मिलकर थैंक्स कहना चाहते थे। उन्होंने अंश को संडे को डिनर पे इनवाइट किया। अंश और मिस्टर जोन ने मिलकर डिनर किया और काफ़ी सारी बातें करी। फिर जैसे ही अंश वहाँ से निकल रहा था, उसकी नज़र दीवार के पास एक तस्वीर पर पड़ी। अंश ने पूछा, यह दीवार पर तस्वीर किसकी है? जोन्स ने कहा, ये मेरी एक्स वाइफ सोफी है, जो एक साल पहले ट्यूमर की वजह से मर चुकी है। अंश को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि ये वही औरत थी जो उस रात मदद के लिए अंश के पास आई थी। अब अंश समझ चुका था कि क्रिस जोन्स और सोफी का बच्चा था, और सोफी की आत्मा अपने बच्चे को बचाने के लिए उस रात उसके पास मदद के लिए आई थी। अंश आज भी उस घटना को याद करके रो देता है। उसे सोफी का परेशान चेहरा आज भी याद है। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें।